सागर नगर निगम के 48 वार्डों के पार्षद सहित मेयर के पद के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद वार्ड स्तर पर इन चुनावों में आरक्षित सीट के गणित के लिहाज से दावेदारी करने वालों ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और वार्ड स्तर पर मतदाताओं का समर्थन हासिल हो सके इसके लिए जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। नए सिरे से हुए आरक्षण के तहत कुछ वार्ड की सीटों में बदलाव हुआ है, तो वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जो किसी वर्ग के लिए जो पूर्व से आरक्षित थे उसमें पुरुष के स्थान पर महिला सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में कहीं कहीं निवर्तमान पार्षद अब स्वयं के स्थान पर अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं। ऐसे में वार्ड के जनप्रतिनिधि को चुनने वाली वार्ड की जनता क्या सोच रखती है, उसके क्षेत्र की क्या समस्या है, पूर्व जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों की कसौटी पर कितना खरा बैठा, यह सब जानने के लिए हमारी टीम ने भी वार्ड की परिक्रमा शुरू कर दी है। इसी के तहत हमारी टीम तुलसीनगर वार्ड के दौरे पर पहुंची और जनता से सीधा संवाद करते हुए उनके मन में निकाय चुनावों को लेकर कैसा जनप्रतिनिधि चुनने की सोच है इसकी नब्ज टटोली। जहां इस वार्ड की जनता यहां से कांग्रेस के पूर्व पार्षद के कार्यकाल से खासी कफा दिखाई दे रही है और वार्ड के ज्यादातर मतदाताओं में उनके क्षेत्रवासियों के प्रति व्यवहार पर नाराजगी देखी गई। वार्ड के मोमिनपुरा के अंतर्गत रहने वाली आबादी सबसे ज्यादा पूर्व पार्षद से असंतुष्ट है, जहां लोगों तक लंबे समय बाद भी शासकीय योजना का लाभ पात्र होने के बाद भी नहीं पहुंच सका, तो वहीं मूलभूत सुविधा के तहत विकास के मामले में भी पूर्व पार्षद फिसड्डी साबित हुए हैं, जिसको लेकर जनता में उनके प्रति आक्रोश पनप रहा है। इस बार महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित है, ऐसे में यहां वैसे तो कई दावेदार सक्रिय हैं, पर एक नाम की चर्चा जोरों पर है, रशीद रायन, जो कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता हैं। मूलतः कांग्रेस पार्टी से जुड़े रशीद रायन को यहां के क्षेत्रवासी सच्चा जनसेवक मानते हैं, जो लोगों के सुख दुख में तो साथ खड़े होते ही हैं। उनकी कोई भी निगम से संबंधित समस्या को हल करवाने में भी बिना किसी दायित्व के पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं। वार्ड के अंतर्गत जो काम चुना हुआ पार्षद नहीं करवा पाया उसे भी रशीद रायन के द्वारा प्रयास कर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तकरीबन एक बड़ी राशि से विभिन्न शासकीय मद से स्वीकृति करा वार्ड में सड़कों के निर्माण के साथ अन्य कार्य करवाए हैं, जिसके चलते इस बार वह यहां से प्रबल दावेदारी पेश कर जनता का आशीर्वाद मिले इसके लिए प्रयासरत हैं और उनकी पत्नी हसीना बेगम को वार्ड के चुनावी दंगल में बतौर उम्मीदवार उतारने का मन बना रहे हैं, जिसके तहत जिस दल से वह राजनीति करते उससे टिकट की चाह भी रखते हैं। तुलसीनगर वार्ड की जनता के अंदर इस बार बदलाव की बयार की सोच पनप रही है और वह ऐसा जनसेवक चुनना चाहती जो उनके लिए सुलभता से मिल सके और उनके क्षेत्र के विकास के लिए बिना पक्षपात और भेदभाव के कार्य करने का बीड़ा उठाकर जरूरतमंदों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाए। जो दावेदार इस मामले में जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे ही यहां से जीत का आशीर्वाद मिलना तय माना जा रहा है। मैं आपका सायरा। ये कौन सा वार्ड है? तुलसीनगर वार्ड। ये अभी जैसे आप एक आरोप लगा रही थी पूर्व पार्षद के ऊपर, क्या नाम है पूर्व पार्षद का? भैयन पटेल। आप जैसे अभी आरोप लगा रही थी कि हम उनके घर पर जाते हैं कोई समस्या को लेकर, वो आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, क्या मामला है ये? नहीं कहते अपन कोई भी काम का हो उनसे जाके तो कर रहे हैं, करवे की तलाश में है ना, कभी हमारा परमिट बनवाया उनने, पर्ची बनवावे की कहीं तो ना वो बनवाई, और क्या बोलते हैं जे मजदूरी कार्ड है ना वो बनवा के दिया उनने। तो ये 5 साल में जब चुनाव जीते हैं तो ये आपके वार्ड में कभी आए क्या? आते हैं, पूछने नहीं आते कभी। तो अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है तो इसमें आप किस नज़रिए से कैसा पार्षद देखना पसंद करती हैं? ऐसा देखना पसंद करते हैं कि हम लोगों की सुने, काम करें, और है सो कोई भी परेशानी आती है तो ठाणे होए, नाली हैं, रोड हैं, कोई भी काम हम लोग करवाना चाहें तो भी करें, परमट है जैसे, और भी बच्चों की परेशानियाँ आ जाती हैं। क्या नाम है आपका? रहमत खान। ये कौन सा वार्ड है? ये तुलसीनगर वार्ड मोहनपुरा कहलाता है। ये जो अभी यहाँ पर जो 5 साल के जो कार्यकाल रहा पुराने पार्षद का, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं आपको, यानी जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं निकली गई थी, क्या ये योजनाएं आज तक पहुँची? क्या पहुँची हैं? ऐसी बात नहीं है कि पहुँची ना हो, मगर जिस तरीके से पहुँचना चाहिए वैसी नहीं पहुँच पाई। जैसे कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपको पेंशन मिलती है? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा किसी पार्टी विशेष से कोई हमें मतलब नहीं है, हम तो जितना जानते हैं जिसने जो काम करा है उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं 96 से यहाँ पर हूँ, 1996 से, उसके बाद से जो यहाँ पर ये अपना
रशीद राइन लेकर जो आए हैं और इनने जो इस मोहल्ले में काम कराया है इनके मुकाबले किसी और ने नहीं कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी काम हुआ है इस मोहल्ले में मैं निष्पक्ष तरीके से कह सकता हूँ कि इनके मुकाबले किसी ने नहीं कराया। बस तो थोड़ा जोर से बोले, क्या नाम है? शब्बीर खान। ये कौन सा वार्ड है? ये जो 5 सालों में जो आपके यहाँ के पार्षद रहे, पूर्व पार्षद, क्या नाम है उनका? अंजन पटेल। ये जब अभी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो 5 सालों में योजनाएं निकली हैं, इस योजनाओं का आपको लाभ मिला क्या? कोई भी लाभ नहीं। क्या कारण है कि वो योजनाओं को लाभ नहीं दिला पाए? आते ही नहीं है तो क्या कारण बताएं? नहीं तो आप कभी उनके घर पे गए जनप्रतिनिधि होने के नाते? आप हैं तो बस वो कह देते हैं हो जाएगा, तो भागे आते और कोई काम होता नहीं। अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आप क्या सा प्रत्याशी पसंद करते हैं? जो काम करे, विकास दे, उसका उस प्रत्याशी को चुनेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में कौन है अच्छा प्रत्याशी? अभी तो हमारी नज़र में सलीम राय है, रशीद राय। क्या नाम है आपका? अनवर। ये कौन सा वार्ड है? तुलसी। ये जो आपके यहाँ जो 5 साल से जो पार्षद हैं यहाँ पर, जो आपको योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, ये क्या कितना योजनाओं का लाभ मिला है? और ये जो पार्षद हैं जो आप बता रहे हैं उनका नाम, क्या नाम है उनका? भैयान पटेल। ये कभी आपके पास पहुँचे हैं? पहुँचे नहीं, आते ही नहीं है। तो नहीं, अभी आप जैसा कह रहे थे कि जैसे हम उनके घर जाते हैं वो घर में रहते हैं और हमें, हाँ क्या मैटर है ये? अब ये तो भैयान है, कोई काम की सुनते ही नहीं है वो। तो जब से वो चुनाव जीतने हैं आपके वार्ड में आए क्या? आते ही नहीं है। तो आप आज के समय में जो नया चुनाव होने वाला है, पार्षदों को चुनने हैं, और आप कैसा पार्षद देखना पसंद करते हैं? हम अच्छा देखना चाहते हैं इधरी का, तो कोई भी काम हो खड़े हो जाते हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा पार्षद है जो काम करवाएगा? भाईजान है, रशीद भाईजान। आपका? मुमताज बेगम। थोड़ा जोर से बोले, क्या नाम है आपका? मुमताज बेगम। ये कौन सा वार्ड है? तुलसी नगर वार्ड। ये जो आपने जो कुटी की आवास के लिए आपने एक फॉर्म भरा हुआ था, आप बता रही जैसे मैंने 4 साल पहले फॉर्म भरा था और आज दिनांक तक आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं मिला। क्या कारण है कि नहीं मिला आपको? हम पता नहीं, ऐसे झटका मारते हमारा साथ में दुनिया फार्म भरा, वो लोगों को तो मकान बन के 2-3 साल हो ही गया और हम जाते बोलते आ जाएंगे ऐसे ही बोलते। यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं भैयान पटेल, आपने उनको बताया कभी? हाँ बताया। तो क्या बोल रहे थे वो? तो बोलते जो आ जाएंगे, आपका लिस्ट में नाम आ गया, हम कलकत्ता में थी तो उधर भी फ़ोन करा, बोलता आपका खुशखबरी तो क्या हो गया, तो बोलते आपका नंबर आ गया। तो नंबर आने के बाद भी आज तक आपको योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। इस बार अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, लगता है दोबारा वो फिर चुनाव में आएंगे, वो चुनाव में दावेदारी करेंगे अपनी, अब क्या उनको आप चुनेंगी क्या? नहीं चुनेंगे। तो आप ऐसा कैसा प्रत्याशी देखना चाहती हैं जो आपकी नज़र में अच्छा हो, क्या काम करवाए? जो हमारा सेवा करेंगे उसको हम देंगे। यानी कि जनता के जो जनता है, जनता इस बार ऐसा प्रत्याशी चाहती है जो आपके सुख दुख में और आपकी योजनाओं के जो लाभ निकल रहे हैं, योजनाएं निकलने, उसका लाभ आप तक पहुँचाए। क्या नाम है आपका? सलीम खान। थोड़ा जोर से बोले, क्या नाम है आपका? ये कौन सा वार्ड है? तुलसी नगर वार्ड। ये 5 सालों में जो यहाँ के पूर्व पार्षद रहे, क्या नाम है उनका? भैयान पटेल। ये पूर्व पार्षद जो रहे हैं 5 साल से, इनने आपके पास आपके वार्ड में आके क्या क्या योजनाओं के लाभ दिलवाए? कुछ भी लाभ नहीं दिलवाए। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो योजनाएं निकली है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा, कुछ भी नहीं दिलवाए, गरीब हितग्राही तक नहीं पहुँचे? नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है तो इसमें आप कैसा पार्षद देखना पसंद करेंगे? जो अपने विकास करवा वार्ड का, वो हमारे रशीद रायन साहब हैं ही खड़े, उनके लिए भी 25 साल से विकास कर रहा है, उनने 1 करोड़ का काम करवाया, हमारे इधर पार्षद भी नहीं रहे तो उनने रोड बनवाए और अभी हाल में तत्काल में पीछे के रोड बनवाए मस्जिद के इधर के, और अभी और उस नई मस्जिद के इधर के बनवा रहा है अभी 1 महीने के अंदर अंदर। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व पार्षद हैं वो आपके यहाँ पर आके जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं करते, ना जनता से मिलते हैं। तो कभी अगर आपको उनसे कोई ज़रूरत हो, कोई कागज़ बनवाना है जैसे परमिट या बच्चों जाओ कागज बनवाने जाओ तो वो रख लेते हैं और कहते फिर आना, हमने खुद बनवाए थे यानी वो मजदूरी कार्ड रख लिए थे और रखने के बाद कि अब हो जाएंगे तुम्हारे, अभी तक नहीं हुए। जैसे कि आपके वार्ड में रोड की नाली की समस्याएँ हैं तो इसके हिसाब से आप कभी आए वो पूछने आप? नहीं, कभी नहीं आए कभी। नाम है आपका? हसीना बेगम। ये कौन सा वार्ड है? तुलसी नगर वार्ड। ये आप यहाँ से इस बार दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस की तरफ से, ये किस नज़रिए से देख रही हैं, क्यों आप इस बार चुनाव में आने की इच्छा? पति 20 साल से काम कर रहे हैं
इसलिए विकास का, इसलिए हम लड़ना चाहते हैं। तो इस बार जो जनता आपको चुने, तो आपने ऐसे क्या मुद्दे चुने हैं कि इस बार आपको जनता चुनेगी? चुनेगी, हमारा पति कर रहा है ना काम विकास का। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद रायन। ये कौन सा वार्ड है? तुलसी नगर वार्ड। इस वार्ड से आप प्रबल दावेदारी के रूप में निकल के आ रहा है, जनता आपकी हित में मांग कर रही है कि इस बार आपके लिए चुनाव में चुना जाए। किस मुद्दों को लेके आप इस बार चुनाव में उतरेंगे? वार्ड में विकास किए हैं, कम से कम 25 साल में 1 करोड़ रुपया के मैंने विकास किए हैं। विपक्ष में रहने के बाद में प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल भैया से मैंने 3 रोड बनवाए, विधानसभा उपाध्यक्ष हरबंस सिंह दादा से मैंने 2 रोड बनवाए, और मैंने अपने प्रयासों से 22 लाख रुपया 2005 में कमलेश मेंबर के टाइम पे बटवाया, और अभी कमलनाथ जी के टाइम पे मैंने 5 रोड स्वीकृत कराए, जिसमें 3 रोड मस्जिद के पीछे बन गए हैं, 2 रोड बनने हैं, एक नई मस्जिद वाला, एक चुक्कू राइन से लेकर पहलवान के मकान तक, और 15 लाख रुपया मैंने अभी बाढ़ पीड़ित में दिलवाया है। बिजली के खम्भे, हैंडपम्प, राजघाट की लेन, आटाट रोड, इन सारों लोगों का विकास मैंने किया है। अगर किसी को संदेह है तो वो नगर निगम में जाके फाइल लिखवा के देख ले कि ये रोड किसने कराए हैं। और ये मेरे पास वाई डाटा है 1 करोड़ रुपया का, इसमें 7 लाख रुपया और जोड़ने हैं, जो अभी 7 लाख रुपया के रोड 2 रोड सीसी रोड स्वीकृत कराए हैं। जैसे कि देखने में आ रहा है आप भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, उसके पूर्व में भी यहाँ से कांग्रेस जी का पार्षद रहा, उसने काम नहीं किया, ये क्या कारण है कि उसने काम नहीं किया? सत्ता के दलालों से मिलके इस वार्ड में कोई काम नहीं किए हैं, इसमें कुटी के नाम से दलाली भाई, जचकी के नाम से दलाली भाई, संबल योजना के नाम से मिलने वालों के उसमें दलाली भाई, हर चीज़ में दलाली हुई है। इसमें जनता के लिए 2 लाख रुपया अगर स्वीकृत होता है तो 1 लाख रुपया जनता को मिलता है, 1 लाख रुपया दलाल सत्ता के खा जाते हैं,